हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेसन में ये जो बजा था ये त्रिताल था, और ये उस्ताद जब किसी प्रोग्राम में होते हैं और इसी तरह का त्रिताल बजता है, जब स्टेज लेवल का ये त्रिताल है, अगर आप स्टेज में बजा रहे हैं और ऑडियंस हैं, तो इस तरह का त्रिताल एक समय के बाद आता है, खूब रियाज करने के बाद इस तरह का छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बारीकियां जो बजती है त्रिताल में, बंदिशों में, ये द्रुत त्रिताल है और काफी अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है और खूबसूरत भी है ये। और बंदिशों में इसका बहुत उठ के दिखता है, ये बंदिश भी इस ये त्रिताल से बहुत उठ के दिखती है, तो ये काफी अच्छा है। और इसके बोल भी हैं, ऐसा नहीं कि इसके बोल नहीं है, इसके बोल भी हैं और ये अच्छा लगता है। आप इसको सीखिए, सुनिए, जैसे कि मान लो मैं गा के आपको बजा के बताता हूँ, मैं एक बंदिश गाऊंगा और फिर मैं बजाऊंगा, वैसे साथ में गाना बजाना ना जमता नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ, है ना। निर ग रे सा प म ग रे सा ए री आली सखी बजेगा और भर के बजता है पूरा ठेका, और बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें कुछ कुछ बोल भी अच्छे हैं, मैं आपको बताता हूं धीमी लय में कि वो बोल क्या है। जैसे वेरिएशन बोलते हैं इसको, प्रकार बोलते हैं, जैसे धा घे नाते शुरू कर, धा घे नाते, चार जो वर्ण है, धा घे नाते ना धिन धिन ना, तो इसका बदल जाएगा, धा घे नाते धा त्रक धिन धा घेनाते धति धागे घेनाते, जो अपना जो चार है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये सिंपल बजा, लेकिन धा घेनाते धति धागे घेनाते ये बजेगा, धा घेनाते धति धागे घेनाते धति धा त्रक तिन्ना त्रक धिन धिन्ना। देखो पूरा अलग है ये त्रिताल का, जो 16 मात्रा जो है वो पूरी 16 की 16 मात्रा अलग है, मतलब प्रकार जब वेरिएशन होता है तो देखो इस तरह से होता है, धा घेनाते धति धागे घेनाते धति धा त्रक तिन्ना त्रक धिन धिन्ना। ये जो प्रकार है ये आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको लिख लीजिए और इसको ध्यान से देखिए कि मैं कैसे इसको बता रहा हूं। ये जब आप इसको बजाने लगेंगे, इसकी दाबगांस भी देखिए कि किस तरह से है ये, तभी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, है ना। और काफी गुथा हुआ बोले, लेकिन अच्छा है, खूबसूरत है। आप इसको अगर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके, आपको चार चार बोल आपको मैं बताऊंगा, हाँ। तो धा घेनाते धति, ये चार वर्ण, धा घेनाते धति मतलब शुरू का जो नाधिन धिन्ना है, नाधिन धिन्ना, वहां धा घेनाते धति, है ना, धा घेनाते धति, बस इतने, धा घेना धति धागे घेनाते धति धागे घेनाते धति धागे घेनाते धति धागे घेनाते, ठीक है। तो ये 8 वर्ण आप देख, धा घेनाते धति धागे घेनाते, फिर यहां धति आ जाएगा, यहां भी धति, यहां भी धति, फिर धति धा त्रक तिन्ना त्रक धिन धिन्ना। तो वर्ण देख लीजिए, सबसे पहले तो धा घेना धति, है ना, चार वर्ण सुन गए, धा घेना धति, ये चार वर्ण है, धा बजाइए, घे ना
फिर धागे घेना तित धति धागे घेना तित धति है। फिर धा त्रक तिन्ना, फिर त्रक इतना ही है। अब शुरू का चार देखिए, धा घे ना तित धाति, ये चार वर्ण है ना। और दूसरा चार वर्ण धागे घेना तित धाति, ये दूसरा चार वर्ण हुआ। अब तीसरा धा ना, ये तीसरा हुआ। अब चौथा पल्ला ट्रक धिन धिन ना, है ना। पहला पल्ला फिर से देखिए, पहला पल्ला धा बजाइए घे ना तित धाती, पहला पल्ला है ना। अब दूसरा पल्ला देखिए, धाके घेना धाती, है ना, ये दूसरा पल्ला हो गया। अब तीसरा पल्ला देखिए, धा त्रक तिन ना, अब त्रक देखिए त्रक चौथा पल्ला। तो इसमें कुछ नहीं, बस त्र ये दोनों उंगली से बजेगा, का इससे बजेगा, फिर बाकी सब से में त्र। इसमें कठिन बोल यही है त्र, दा त्र दिन त्र, ऐसा ही बजाएंगे, चल दा त्र दिन। तो इस तरह से आप बजाइए इसको और अच्छा है, खूबसूरत लगेगा, है ना। तो ये वीडियो काफी लंबा है और जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जो मेरे चैनल पे नया है, निवेदन है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।